नमस्कार, मैं सृष्टि गुप्ता मारवा आज फिर हाजिर हूँ एक रेसिपी के साथ। ये जो रेसिपी है मेरी खुद की बनाई हुई है और मैं खुद जो जितनी भी रेसिपियाँ आज तक आपने मेरी देखी हैं वो सब मेरी खुद की बनाई हुई है। हाँ, कुछ के नाम सिमिलर हो सकते हैं, बनाने का ढंग अलग हो सकता है, कुछ खुद की घर की बनाने वाली चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आज मैंने जो एक चीज़ बनाई है, मतलब मैंने दो चार बार बना ली है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोग को पेश करूं। त्योहारों का टाइम है, मीठा नमकीन पे सबका जरूर जोर चलेगा, दिवाली तक तो चलना ही चलना है, देवउठनी 11 तक चलना ही चलना है, और वैसे ही मीठा नमकीन तो साल भर चलता ही, सबके यहाँ मेहमान आते जाते रहते हैं और लोग मीठे और नमकीन के शौकीन होते हैं तो रखना ही पड़ता है। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ मठरी है। मठरी हमने बहुत तरीके की खाई है, प्लेन मठरी खाई है जिसमें सिर्फ नमक होता है, अजवाइन होती है, अचारी मठरी खाई है उसमें अचार का टेस्ट होता है, मेथी वाली मठरी खाई है मेथी का फ्लेवर होता है उसमें टेस्ट होता है, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ मठरी वो है कैरी और पुदीने की मठरी। जी हाँ, कैरी और पुदीने का ट्विस्ट मैं कैसे आज इन मठरियों में देने वाली हूँ, किस मसाले के साथ देने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, ये हो गया अपना मैदा, ये है पुदीना पत्ती, ये है कैरी। कैरी थोड़ी लेनी है, जितना जैसे खट्टा बेयर कर सके, खट्टे का टिंच आना चाहिए आपकी मठरी में उतना रखिएगा कि आपको जब खाएं मठरी तो उसमें खटास का एक टिंच अच्छा आना चाहिए, पुदीने का भी आना चाहिए, इसका भी कैरी का भी आना चाहिए। उसी के साथ ही हो गया अजवाइन, ये है चाट मसाला, ये है काली मिर्च पिसी और ये है अपना नमक, और मोइन के लिए हो गया घी और तलने के लिए हो गया तेल, और ये जो पेस्ट है मैंने बना के रख लिया है, ये देखिए ये दोनों को ही पीसा है। अगर आप इसमें तीखा, जैसे मैं खाती हूँ तीखे के शौकीन है, तो आप इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिर्ची ऐड करेंगे तो आप जब आटा गूंदेंगे तो आपको होल सोल आपके हाथों में जलन पड़ सकती है, क्योंकि मिर्च जब गूंदेंगे तो उसमें जब जोर लगता है आटों में तो वो उंगलियों में जाकर जलन छोड़ सकती है, तो अगर आप मिर्ची डालना चाहते हैं तो इसमें डालिए, अदरवाइज़ इन दोनों का ही टिंच रखिए और काली मिर्च अपना बढ़िया तरीके से डालिए। तो ये हो गया, ये मैंने पीस के रखा है विदाउट पानी, अगर ज़रूरत हो रिक्वायरमेंट का तो हल्का सा पानी डालें, नहीं तो कैरी से इतना पिस जाएगा ये, और थोड़ा सा एक बूंद दो बूंद अगर दो चम्मच के करीब पानी, छोटा जो होता है टीस्पून उसके करीब पानी लेके आप इसको इस तरीके का पीस लेंगे दरदरा, तो ये पिस गया। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये ले लिया मैंने हैं और ये लिया मैंने मैदा, ये मैदा लिया, उसी के साथ इसमें अपन को क्या करना है, ये लिया अपन ने नमक। नमक देखिए, नमक अपना स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि चाट मसाले में हल्का नमक होता है, चाट मसाले में ज़्यादा नमक नहीं होता है। काली मिर्च, काली मिर्च तीखी ही होती है, काली मिर्च का तीखापना होता है, और ये रहा अपना चाट मसाला जो कि ये कैरी और पुदीने को एक अलग सा स्वाद देगा। तो चाट मसाले को आप इस तरीके से रखें, और ये जो अपना अजवाइन है केली, इसको थोड़ा सा ऐसे करके इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और इसी में अपन ने इसमें मोइन के लिए मैंने घी लिया 2 से 2.5 चम्मच, यानी ये नॉर्मल स्पून है, खाने वाला चमची जो होती है अपनी वो है,
अब पहले अपन को इसके अंदर इसको क्रम्बल कर लेना है, यानी जो अपन घी डाला है इसमें इस तरीके का मोइन डालें कि ये थोड़ा अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी में थोड़ा आए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मतलब आना चाहिए बस कि ऐसा लगे कि हाँ ये मुट्ठी बनने लगी है थोड़ी। देखिए इसी के साथ ये बनने लगी है, ये देखिए ये बनने लगी मुट्ठी। अब क्या करना है अपन को, ये जो मसाला लिया है अपन ने ये आप डालिए आटे के अनुसार कि कितना आपने आटा लिया है। ये बहुत स्वाद लगने वाली मठरी है। इसके साथ मुझे लगता है कि आपको किसी भी चीज़, मतलब अचार की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सीधे अगर आप इसको चाय के साथ खाते हैं, चाय के साथ, अदरवाइज़ आप सूखी उठा के खाएंगे तो भी बेहद स्वाद लगने वाली है, और कोल्ड ड्रिंक के साथ खाते तो भी अच्छी लगने वाली, जूस के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करें। लेकिन इसके साथ आपको किसी भी अचार को कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अपन को इसका आटा थोड़ा कट्ठा गूंदना है, कट्ठा मीन्स टाइट टाइट डो गूंदेंगे तभी जो आपकी मठरी बनेगी कुरमुरी बनेगी, खस्ता बनेगी, क्योंकि घी अंदर खस्तापना लाता है घी का मोइन डालने से। ये देखिए ये आटा अपना इस तरीके का टेक्सचर का गूंद गया है। अंदर देखिए ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है कैरी का और पुदीने का, इसका स्वाद अल्टीमेट है, गजब है ये। मतलब मैं क्या बोलूँ अपनी चीज़ की तारीफ करते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन बहुत स्वाद है ये, बहुत अच्छी बनी है। और ये देखिए ये लोई मैंने इस साइज़ की बना ली है, और उसके साथ अपन को थिकनेस इतनी रखनी कि ना ज़्यादा पपड़ी की जैसे हो जाए ना ज़्यादा मोटी कि बिल्कुल अंदर से ऐसा लगे क्या खा रहे हैं। पपड़ी का भी जैसे अगर आप खाएँ तो आपको स्वाद लगे, तो ये बस ये करने के बाद अब इसको फोक से ऐसे प्रेस करिए कि अंदर से बाहर तक ये ऐसे छेद हो। उसमें देखिए ये देखिए ये आपने किया इस तरीके से, आप 6-7 बेल के रख लीजिए, तो फिर इकट्ठी आप 4-5 डालेंगे और ये बिल्कुल सेम आंच पे तलते हैं। मठरी को आप तेल बिल्कुल गर्म कर लीजिए, फिर उसको धीमा कर दीजिए, फिर इसको डालिए। अगर आपको तेल का लग रहा है कि ठंडा बिल्कुल हो गया और तेल पिए जा रहा है तो आप उसको मीडियम से स्लो से थोड़ा सा लेवल हाई करें कि ना वो ज़्यादा हाई हो जाए ना ज़्यादा वो उस पर जाए, मीडियम टू लो के उसमें रहे, तो वो ध्यान दीजिएगा। गैस का बड़ा खेल है, तभी खस्ता बनेगी, नहीं तो ये जल्दी जल्दी के चक्कर में रंग चेंज हो जाएगा उसका, अपन को अंदर तक अच्छी सेकनी है। तो इसी के साथ देखिए मैंने 7-8 बेल ली हैं और तेल मेरा तेज गर्म है, पहले मैंने एक डिप डाल के देखा, ये देखिए कड़क है मेरा तेल गर्म बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर इसको नॉर्मल में रखेंगे खट्टी 4-5 डाल देंगे तो तेल एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि आटा अपना नॉर्मल ही है तो वो एकदम से उसमें आ जाएगा। इसी के साथ देखिए मछली जो मैंने डाली थी पहले पेंदे में बैठ जाती है, और लेकिन अपन को ऐसी फैली कढ़ाई लेनी है, मैंने थोड़ी मैंने छोटी कढ़ाई ली है, लेकिन फैली भी कढ़ाई लेंगे तो चारों तरफ से फैल जाएगी। इसके ऊपर मठरी के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर अपन इसमें छेद भी कर देते हैं तो वो फूलने का डर रहता है। तो आप इसको अगर फैले तले की कढ़ाई लेते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाएगी और वो फूलेगी नहीं। तो आप इसको ऐसे करिएगा कि दोनों, यानी जितनी भी मठरी डालें वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ना आए। जब वो नीचे वाली आपकी नीचे से लगे कि हाँ शेप पकड़ ली और खस्ता हो गई है, मतलब नीचे से पक रही है एक लेयर, मतलब कलर आ गया, तब उसे टर्न करें और उनको चारों तरफ ऐसे फैली होनी चाहिए, तब वो उसका चीज़ का ध्यान रखें। इसी के साथ देखिए मठरी तैयार हो गई है। इसको आप मठरी की शेप में भी ले सकते हैं, इसकी आप पापड़ी भी पतली बना सकते हैं, आप इसको किसी भी शेप में ले सकते हैं। पापड़ी खानी है पतली तो वो भी बन जाएगी, मोटी खानी है तो मोटी भी बन जाएगी, देखिए मोटी भी है, और अगर पतली खानी है तो ये पतली भी बना के मैंने दिखाई है पपड़ी की जैसी, तो ये बेहद स्वाद बनने वाली है। तो मैंने दोनों शेप में बनाई हुई है, एक मठरी की शेप में और एक पापड़ी की शेप में। पापड़ी जैसे देखिए, अब ये मेरी मठरी की शेप में है तो देखिए ये कितनी खस्ता है, ये है मज़ेदार, ये अंदर तक पकी हुई बढ़िया खस्ता आपकी ये मठरी कैरी वाली तैयार है। तो इस तरीके की मठरी अगर बना के खाते हैं वो, देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए जिस हिसाब से मैंने बताया, नहीं तो अपन लोग अचार मठरी खाना पसंद करते हैं। शादी में भी अपन कहीं जाते हैं
तो अचार मठरी खाने को मिली जाती है, अचार मठरी लोग नाश्ते में खाते हैं। तो ये मठरी इस तरीके की रेडी हो गई मेरी। तो अगर आप ट्राई करेंगे इस मठरी को तो मज़ा तो ज़रूर आने वाला है, और ट्राई ज़रूर करिए। त्योहारों का समय है, इस तरीके की मठरी बनाएंगे तो एक नई वैरायटी हो जाएगी, और आपको इसी तरीके की मैं नई नई विधियाँ आपको देती रहूँगी बना बना के। आप मेरे को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक करना शुरू कर दीजिए, मेरी चैनल को शेयर करना शुरू करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जो भी आपका नेटवर्क है उसमें आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं। मुझे कॉपरेट करिए, मेरा नया चैनल है, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। बेल आइकन पे ऑल पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको मेरे जितने भी वीडियोस बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अपने आप आपको नया वीडियो दिख जाएगा। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, और इस तरीके की मठरी ज़रूर बनाएं, खाएं। ये ठंडी हो जाएगी तो और खस्ता आ जाएगी, और मैं तो इसको अचार अचार नहीं, मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक के साथ और चाय के साथ इसके साथ खुश हूँ। तो मैं तो चली खाने।